इतने शदीद जख्मी पड़े हुए हैं और इतने शहीद हो चुके हैं और फिर भी दीवानवार मरकज की तरफ आ जाए तो वज़ाहिरी बात है ये जबर कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है। आप लोग अब मैं जो मुदाकरात की रिदात का है वो उसके इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। हमने इनके सामने आखिरी बात वही रख दी कि हम अपने मुआहदे की पाबंद है, इसलिए जो हमारे साथ मुआहदा किया गया है उसी पर अमल करो। तब इन्होंने कहा कि अभी हम वफाकी वज़रा को भी बुलाते हैं, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी होंगे, जो इदारों के हमारे सरबराहान हैं वो भी होंगे, और फिर हम दूसरा दौर शुरू करते हैं। आज आज के दिन का दूसरा दौर जो कि अभी 10 बजे उनके साथ होने वाला है, लेकिन हमारे इन मुज़ाकरात के पस पर्दा यानी इस दौरान भी वो लोग मुसलसल झूठ फैला रहे हैं। कभी किसी खत का सहारा लेकर, कभी किसी को के ऊपर तशद्दुद करके उससे बयान दिलवाकर, और कभी किसी को उधर हमारे अमीर मोहतरम के पास ले जाकर ये कोशिशें हो रही है कि किसी तरह हम इनको कह दें कि नहीं नहीं बस ठीक है, आप लोग ये सारा वाइंड अप करें और घरों को चले जाएं और ये सब कुछ खत्म करके अपना मुआहदा जो है ना वो पीछे छोड़ जाए। आप यकीन करो इंशाल्लाह तारीख में ये बात याद रखी जाएगी। आज भी आपके पंजाब के गवर्नर ने कुल के कहा कि खुदा की कसम मैंने तो ऐसे लोगों को कहीं नहीं देखा। हमने कहा क्यों? हमने कहा गवर्नर साहब क्यों? उन्होंने कहा अभी तक तो आपने किसी दूसरे इशू पर एफआईआर है, आपके ऊपर शुरा के ऊपर भी 302 की एफआईआर है, आप पर शेड्यूल 4 है, आप पर बड़े मुकदमे बन चुके हैं और आप कल आदम है, लेकिन आपने ना अपने एफआईआर का रोना रोया ना शेड्यूल 4 का रोना रोया। मेरे सामने आपको मुसलसल की बात कहे जा रहे हैं कि फ्रांस के सफीर का क्या होगा। जो 104 बुखार के साथ जब मैदान फैजाबाद पे तशरीफ लाए तो आते ही फरमाया कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे कहा डॉक्टर साहब मेरे देखो कितना टेम्परेचर है। मैंने जब इस तरह हाथ लगाया मैंने कहा हुजूर बहुत ज्यादा है, आप क्यों आ गए? आपको इतनी तकलीफ है फिर भी आप आ गए, आपके बच्चे मौजूद है यहाँ पर और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस्तेकामत और आपकी उस सबक को याद की हुई है, आप क्यों तशरीफ ले आए? तो उसी वक्त मुझे कहा कि क्या बात करते हो डॉक्टर साहब, ये जान तो है ही उसूर के लिए, ये जान तो है ही उसूर के लिए, इस जान की तो कोई परवाह ही नहीं। हमने कहा हमारे ऊपर और भी जुल्म कर लो, और भी जुल्म कर लो, लेकिन हमारे करीम आका मौला की नामूस पर बात है, सरकारी तौर पर हमें जवाब चाहिए। हमारे जात के ऊपर हो हम बर्दाश्त करेंगे, बड़े जुल्म की आपने, बंदा एक्सीडेंट में मर गया पुलिस वाला, इनको भी आपने लंबे के ऊपर डाल दिया, कोई मसला नहीं। आपके डीएसपी ने यहां पर सीधी फायरिंग की, अकामात दिए, मौका पर इधर गिरफ्तार हुआ,
और फायरिंग करके पकड़ा गया। वो मुकदमा भी आपने लबैक के खिलाफ बनाया कि इन्होंने फला थाने पर हमला किया। इतनी सफेद झूठ, ये तो ऐसे झूठ है कि बंदा बिल्कुल रात के काली रात को वो सूरज और ये वो दिन कहे और दिन को वो काली रात कहे, इससे भी ज्यादा ये सफेद झूठ है। फिर भी हमने कहा चलो वक्त आने वाला है इंशाल्लाह, तो एक एक बात का हिसाब लेंगे आपसे। लेकिन हमारे वादे का क्या हुआ? वो बातें सब अपनी जगह पर है, वादे की जिक्र पहले, वरना अगर इस वादे की बात ना होती तो कल के ये हम यहाँ पर दे चुके हैं कि कल के हम आपको ये सब कुछ, हम आपके तमाम कारकुनान को भी रिहा करते हैं, हम आपके कल आदम वाला सब कुछ भी खत्म करते हैं। इसी मसले से आप बस ये ना कहिए हमारे लिए मुश्किल है। हमने कहा हम इसी मसले में हमारे साथ बात करो। ये जो हमारे शहीदों ने खून दिया है जिस मसले के लिए, और ये जो बीमार पड़े हैं और जिन्होंने हुजूर के इज्जत आबरू के लिए अपना सब कुछ पेश किया हमारे साथ, और ये आप यकीन करें खुदा की कसम, इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ने तहरीक को दी है कि पूरी दुनिया में इस वक्त नामूस रिसालत के मसले की चर्चे हो रहे हैं। ये बार बार की है कि इस मसले से पीछे हटने के लिए इन्होंने हमें बहुत बड़े ऑफर भी दिए। पहले जब वो पहले आए तो उन्होंने बड़े ऑफर दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की गुलामों ने हमने इनको कहा रुपए लो, मसाजिद बनाओ, मदारिस बनाओ, आप मजे करो, हम आपको ऐसे ऐसे जो है ना वो वीजे देंगे, बाहर जाकर इस मसले को उधर पहुंचाओ, सेनेट ले लो, आइंदा के लिए जो भी हल्का आप लेना चाहते हैं वो ले लो। ये कोई सुने सुनाई बातें नहीं है कि मैं ये कहूँ कि फलान कह रहे थे कि इस तरह हुआ था, ये मेरे सामने इन्होंने ये ऑफर हमें दिए कि आप ये सब कुछ ले लो। हमने कहा नहीं नहीं, आप बहुत लेट हो गए, आपसे पहले व्हील चेयर वाले बाबे ने हमारे सौदा कि आपको यकीन हो कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे कायदे मोहतरम हैं अक्स अमीरुल मुजाहिदीन, उनकी गैरत और हमीयत का वो अक्स, उन्होंने कहा ना हमें अपने अमीर से मिलवाओ, हमने ताजियत करनी है। ताजियत की बात बोले कि देखो हमने आपको बड़े ऑफर दी, आपकी मुदाकराती टीम को कम से कम कोई कुछ तो हमें देकर वापस कर दे, कि हम अपने वजीर आजम को कह दे कि देखो हमारे साथ हम आपके लिए ये मनवा के लाए हैं, यूं हमें बेनवार रुख्सत ना करे। तो हमारे किबला मीर मोहतरम किबला हजरत हाफिज साद हुसैन रजवी हाफिजहुल्लाह आपने फरमाया मैं आपको बहुत बड़ी बात देकर रुख्सत कर रहा हूँ।